हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलेश और आप देख रहे हैं आन ग्रुप। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अहिरौरा घाटी के नज़ारे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम हैं वाराणसी टू शक्ति नगर मार्ग से कटने वाले मार्ग पे, लखनिया दरी वाले रास्ते पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। हालांकि ये वही एक तरह सेम समझ लीजिए वही चीज़ है जो वाराणसी टू शक्ति नगर मार्ग यानी कि SH-5A है, State Highway 5A है। और ये देखते हैं आप लोग, हम लखनिया दरी पहुंच चुके हैं। यहाँ का जो ब्लॉग है वो हमने बना दिया है और अपलोड भी कर दिया है चैनल पर, आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। और अभी चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अहिरौरा घाटी दिखाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। तो चलिए चलते हैं। और अभी ये देख सकते हैं हम लोग लखनिया दरी के पास ही हैं। तो इससे पहले कि अभी आगे चल के हम लोगों को इतना लंबा सफ़र किए हैं तो भूख लगे, इससे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ ले लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यदि आप लोग यहाँ पर कभी आए हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब देखिए, अब हम लोग आ गए हैं, लखनिया दरी क्रॉस कर लिए हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये है रोड कुछ इस तरह, काफ़ी बेहतरीन लगता है। ये है अहिरौरा घाटी। दोस्तों यहाँ से थोड़ी दूर के बाद आप लोगों को मेन रोड मिल जाएगा, इस रोड से यानी कि लखनिया दरी वाले रोड से जो सीधे है। यहाँ से थोड़ी दूर पर आपको मिल जाएगा मेन रोड जो कि सीधा आपको लेकर चला जाएगा आपको सोनभद्र। तो आप लोग चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं। और इस रास्ते पे यानी कि वाराणसी टू शक्ति नगर मार्ग और सोनभद्र के बीच में बहुत सी घाटी पड़ती हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख है मारकुंडी घाटी और अहिरौरा घाटी, और भी दो तीन हैं। तो यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जाके मारकुंडी घाटी और भी जगह का बना दूंगा, लेकिन इससे पहले ही मैंने और भी जगह का बना दिया है। तो चैनल पे हमने वीडियो अपलोड कर दिया है और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। यदि मैं नहीं डालता तो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से कुछ इस तरह खूबसूरती है, आप देख सकते हैं हम लोग ऊँचाई पर हैं और जो ज़मीन नीचे है, तो यहाँ से देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। और ये रोड जो है पत्थर को काट करके बीच में बनाया गया है, जैसा कि आप लोग अपने दाहिने साइड देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन के। और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत है और आज का मौसम भी काफ़ी बढ़िया है, तो ये राइड करने वाला मौसम है। तो ये देखिए, आप राइड का एंजॉय करते रहिए। और चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। दोस्तों यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर पर आपको देखने को मिल जाएगा चूना दरी, जो कि यहीं रोड से ही ऐसे कटा है, खप्पर बाबा आश्रम के पास जो बोर्ड लगा है वहीं के पास से ऐसे कटा है। हालांकि वो रास्ता काफ़ी नक्सलाइट एरिया, काफ़ी डरावना है, और लेकिन हमने वहाँ का ब्लॉग शूट किया है। यदि आप लोग चाहते हो उस एरिए का हम वीडियो आपको दें तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम वहाँ का वीडियो आपको अपलोड करके दे देंगे। और अभी आप देखते हैं हम लोग धीरे धीरे ऊंचाई पे बढ़ते ही जा रहे हैं। और यहाँ से जो है नीचे, अगर आप देखेंगे कभी रोक करके बाइक, तो यहाँ से बहुत सारी ट्रकें आपको नीचे गिरी हुई दिखाई देंगी। इसीलिए दोस्तों यदि आप लोग ऐसे मौके पर कहीं जा रहे हैं, कहीं किसी जगह जा रहे हैं जो कि काफ़ी ऊँचाई पर है और ऐसा कुछ है, तो कृपया करके वहाँ पर गाड़ी काफ़ी आराम से चलाएँ, क्योंकि कब क्या हो जाएगा किसी को कोई भरोसा नहीं।
और अब देखिए यहाँ पर असली जो है, अब असली मज़ा है पहाड़ों का। ये देखिए रोड जो है टर्निंग लिया था, और ये देखिए बादल भी काफ़ी बेहतरीन है। दोस्तों यहाँ पर जो है आप ही आपको ढलान देखने को मिलेगा। इससे पहले यहाँ पर आप लोग चढ़ाई किए थे, आप लोग ने देखा, और अब जो है यहाँ से नीचे जा रहा है। तो ऐसे में यदि आप लोग बाइक बंद कर देंगे तब भी आपकी बाइक चलती ही चली जाएगी, जिसको हमने ट्राई किया। और ये देखिए मेन रोड से हमने टर्निंग लिया लेफ़्ट, जो कि ये लखनिया दरी चला जाता है, और वो सीधे चला जाता है आप लोगों को मेन चुनार सिटी में चला जाता है अरोरा होते हुए। तो कुछ ऐसा था। और अभी आप ये देखते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।